हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए। एंड साथ ही में दोस्तों अगर आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ नाम एंड नाम में एंड डेट ऑफ बर्थ में एंड मादर नेम फादर नेम में अगर कोई भी आपका गलती हुई है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो इसके बारे में ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही में हमारी पिछली वीडियोज़ भी देखना आप बिल्कुल ना भूले। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने पुराने होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, नाम डेट ऑफ बर्थ फादर नेम मदर नेम एंड अदर कोई भी गलत अगर गलती आपके फॉर्म में हो गई है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप 16.0 पर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर मूल दस्तावेजों के सत्यापन और प्रमाण पत्र का फॉर्मेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपको कौन कौन से सत्यापन प्रमाण पत्र चाहिए और कौन कौन से फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों रेलवे ने यहाँ पर साफ कहा है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों को स्व प्रमाणित फोटो प्रतियों के दो दो सेट आपको यहाँ पर बनाने हैं। साथ ही में मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना जरूरी है और ऐसे उम्मीदवार जो दस्तावेज सत्यापन की तिथि से पहले www.rrbdv.in पोर्टल के जरिए अपने यथा अपेक्षित सभी मूल प्रमाण पत्रों की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करनी चाहिए। मतलब कि दोस्तों आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो स्कैन की हुई जो फोटो है आपके जो स्कैन की सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके rrb.dv वेबसाइट पर आपको अपलोड करने हैं, ठीक है दोस्तों। और आपके जो फॉर्मेट होने वाला है वो दोस्तों यहाँ पर दिया है कि सभी दस्तावेज फॉर्मेट हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए। मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा आपके कोई भी अदर लैंग्वेज में आपसे डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम बता दें कि दोस्तों जन्मतिथि और मैट्रिक परीक्षा योग्यता के प्रमाण पत्र की मैट्रिक हाई स्कूल या समतुल प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है जिसमें माता पिता का नाम भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब कि दोस्तों इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ का पता चले ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए या फिर जिसमें आपके माता पिता डेट ऑफ बर्थ और अपने इनका मतलब हाई स्कूल के बारे में आपकी जो है उसके बारे में आपको पता चल सके, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 10+2 इंटरमीडिएट के हाई स्कूल या जो भी POC वगैरह इनको बोलते हैं दोस्तों कनाडा में POC बोलते हैं, तो यहाँ पर POC भी दिया हुआ है। तो ये आपके लिए मतलब 10+2 की मार्कशीट होना जरूरी है। यहाँ पर देखो NCVT से अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, जनरल इंजीनियरिंग डिग्री का प्रमाण पत्र आपके पास है, तो दोस्तों सेमेस्टर वाइज अंकतालिका भी आपके पास होनी चाहिए। मतलब कि दोस्तों आपके पास में सेमेस्टर वाइज हर एक सेमेस्टर की अंकतालिका आपके पास होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों अगर आपने गैर क्रीमियर लेयरशिप का प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है, अगर आप वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने मतलब गैर क्रीमियर लेयर बन के 550 की जगह 250 रुपये अगर आपने फीस पे की है दोस्तों 250 रुपये फीस पे की है तो आपके पास ये गैर क्रीमियर प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आगे मैं बता देता हूँ दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर मांगा गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवामुक्त का प्रमाण पत्र, मतलब कि दोस्तों आपके पास NOC होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, NOC भी आपके पास होनी जरूरी है अगर आप पहले से ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो। साथ ही में दोस्तों आधार कार्ड के दोनों तरफ की फोटोकॉपी यहाँ पर मांगी गई है आपसे, आधार कार्ड के दोनों तरफ की फोटो आपको साथ में ले जाना है फोटोकॉपी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपने दिव्यांग दोस्तों अगर आपने हैंडीकैप से फॉर्म लगाया है तो दोस्तों आपको यहाँ पर हैंडीकैप से अगर आपने फॉर्म लगाया है तो आपको किसी भी चिकित्सक से एक प्रमाण पत्र बनवाना होगा जिसमें कि आपको उसमें दिया हुआ होगा कि मतलब वो कितने हैंडीकैप वगैरह कितने परसेंटेज जो भी कुछ पूछा जाता है वो प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि सेवारत कर्मचारी के लिए नियुक्ति की तिथि और WOC अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब कि दोस्तों जहाँ से आप अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ से जो आपको NOC मिलने वाली है उसी के साथ में आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी बनवाना जरूरी है ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए। अगला दोस्तों हमारे यहाँ पर दिया हुआ है सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए सेवामुक्त की संभावित तिथि के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र, दोस्तों आपको जिस तारीख से वहाँ से रिलीज किया जाता है उसी तारीख का मतलब प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा, दोस्तों अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो आपको गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर ये घोषणा प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। साथ ही में दोस्तों
पैरा 1.7 के अनुसार औपचारिक बदलाव के मामले में सरकारी अधिसूचना या कोई कानूनी दस्तावेज। दोस्तों अगर आपके नाम वगैरह में कोई भी अगर आप चेंजमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए औपचारिक सरकारी अधिसूचना या कोई भी कानूनी दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है, जो कि आपको वकील बनाकर देगा, जो कि जो भी आपका वकील होगा वो आपको बनाकर देगा। एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं दोस्तों एफिडेविट बनवाए के। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों हमारा है, अगर आपने जो आपकी फ़ीस है वो अगर आपने बैंक से पे की है या फिर आपने कोई भी डाकघर वगैरह से पे किया तो दोस्तों उसकी रिसिप्ट आपके पास होना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आपने ऑनलाइन फीस पे की है तो आपको ऑनलाइन फ़ीस पे करने पर आपको कोई भी रिसिप्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आपको जम्मू कश्मीर का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। अगर आप ट्रांसलेटर उम्मीदवार हैं तो दोस्तों इसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना ज़रूरी है। साथ ही में दोस्तों अगर आप विधवा उम्मीदवार बन के अगर आप जब फॉर्म फिल किया है तो आपकी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहते हैं साथ होना जरूरी है। साथ ही में दोस्तों शपथ पत्र होना चाहिए कि आपने पुनर्विवाह नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, साथ ही में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि दूसरी तरीकों के लिए दोस्तों ये अलग बात हो जाती है, मैं आपको इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इन सबको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सत्यापन के लिए आपको यहाँ पर चाहिए। तो आगे मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपको क्या क्या चाहिए, अगर आपके नाम में गलती हो जाती है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आपके नाम में डेट ऑफ बर्थ नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड अदर कोई भी अगर आपकी गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके नाम में और अगर गलती होती है दोस्तों, अगर आप जैसा कि आपके आधार कार्ड में अगर नाम गलत है तो दोस्तों आधार कार्ड में आप अपने आधार सेंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड चेंज करवा सकते हैं, अपना आधार कार्ड नाम चेंज करवा सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप अपने आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ से चेंज करवा सकते हैं। मदर नेम, फादर नेम आप अपने जो भी आपका आधार कार्ड सेंटर है वहाँ पर चेंज करवा सकते हैं। अदरवाइज आपके किसी भी और सर्टिफिकेट में आपका नाम या फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप चेंज करवा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर आपकी मार्कशीट में अगर आपका नाम गलत है, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपका फादर नेम या मदर नेम गलत है तो दोस्तों आप अपने जो भी आपका रिलेटेड बोर्ड है जो जिससे आपने अपनी 10+2 आपने किया है दोस्तों, वहाँ पर आपको अपने बोर्ड में जाकर आपको अपना नाम वगैरह चेंज करवाना होगा दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों अगर आपका DOB गलत हुआ है तो इसके लिए दोस्तों आपको वकील से एफिडेविट बनवाना होगा, जो कि आप अपने किसी भी न्यायालय में जाकर के बनवा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा जिसमें कि वो सत्यापित किया जाएगा कि हाँ आपके नाम में गलती हुई है, आपके फादर नेम में गलती हुई है या मदर नेम में गलती हुई है, तो उसका आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा। तो दोस्तों यही था, आपको कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2014 के बाद का होना चाहिए, मतलब कि 2014 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2014 के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट के बारे में आपसे कह चुका हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में फॉर्मेट होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश के अलावा आपका कोई सा भी फॉर्मेट नहीं चलने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में ही आपका फॉर्मेट चलेगा। तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अभी से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों हमारे चैनल को। तो